पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं जोधपुर। ये तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं आपके सामने हैं। दिल्ली से वसुंधरा राजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशोदान सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, यूनुस खान राजे की अगवानी वहां पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जाने का उनका कार्यक्रम है। वहां पर उनकी माता जी का अभी हाल ही में निधन हुआ। शोक व्यक्त करने के लिए राजे वहां पर पहुंच रही हैं। उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, साथ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यशोदान सिंह, वो भी पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में देखिए कार्यकर्ता समर्थक राजे के यहां पर पहुंचे हुए, बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे थे। सुबह से राजे पहुंचे तो उनसे मुलाकात हो पाए, लंबे वक्त से उनकी मौजूदगी दिल्ली में। उनकी पुत्रवधू की तबीयत नासाज है लंबे वक्त से, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं उनके साथ। अभी जोधपुर पहुँची हुई हैं, सीधे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जाएंगे यहाँ से। उसके बाद खबर है कि पूर्व मंत्री महिपाल मदेना को भी हो सकता है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो निकले, लेकिन अभी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। दिल्ली में उनकी मौजूदगी, सीधे दिल्ली से वो पहुंची हुई हैं जोधपुर। अशोक परनामी भी साथ में हैं, कालीचरण सराफ, यूनुस खान ने उनकी अगवानी की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। वसुंधरा राजे की लोकप्रियता कितनी है राजस्थान में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहां पर भी राजे दिख जाती है वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। यहाँ पर भी पहुंचे हैं, हालांकि लोगों को पता है, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको पता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकेंगे नहीं राजे, लेकिन उसके बावजूद भी दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं फूलमाला लेकर के, वेलकम करने के लिए भी और उनसे मिलने के लिए भी। कुछ देर के बाद यहाँ से सीधे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पहुँचने की तस्वीरें आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल वो पहुँच चुकी हैं जोधपुर।